नमस्कार, मैं मुकेश दक्ष और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24x7। जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से वहां चुनाव का इंतजार जारी है। अब केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव जल्द होने की संभावना बनती दिख रही है, क्योंकि आज यानी कि 3 अक्टूबर को बीजेपी की एक और कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि ये मीटिंग जम्मू में होगी, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर भी जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की एक बड़ी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग ये संपन्न हुई थी, जिसका परिणाम कुछ ये था कि अब जम्मू में पंचायत या निकाय चुनाव होना लगभग नामुमकिन है। भाजपा की मीटिंग का इशारा सीधे लोकसभा चुनाव की तरफ झुकता नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि भाजपा की एक और मीटिंग होने जा रही है। हालांकि सूत्रों के हवालों से जानकारी ये भी है कि इस मीटिंग में चुनाव के साथ साथ जम्मू के गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जो कि भाजपा को नुकसानदेह है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट्स देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया गया था। इनमें से जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया था। तभी से यहाँ के लोगों को चुनाव होने का इंतजार है, लेकिन अभी तक कोई भी चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुए हैं और ना ही कोई तारीख सामने आ रही है। हालांकि चुनाव आयोग के मतदाता पंजीकरण और इलेक्ट्रोल रोल की समीक्षा के बाद चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। इसके नवंबर के आखिर तक होने की उम्मीद बताई जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चुनाव के साथ साथ जमीन पर सुरक्षा के हालातों को लेकर भी बातचीत की जाएगी। लक्ष्य बनाकर की जा रही हत्याओं को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पिछली मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए कहा है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए मजबूत एंटी टेरर ग्रिड बनाने के निर्देश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़, 24x7। धन्यवाद।